बिल्कुल बेसिक्स से कवर कर रहे हैं हम एनशियट हिस्ट्री को सारी एनशियट हिस्ट्री की किताबों का निचोड़ मैं लेकर आता हूं आपके लिए 2025-2026 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए ये दसवां लेक्चर है इस सीरीज़ में और इस सीरीज़ में हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में हम सॉरी हम पढ़ेंगे अबाउट शाकाज पढ़ेंगे क्या अबाउट शाकाज पढ़ेंगे हु वेयर द शाकाज़ कौन थे कहाँ से आए थे वो वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फिर पढ़ेंगे एक्सटेंट इनकी रूल का जो एक्सटेंट है मैप में हम देखेंगे कि कितना बड़ा एरिया ये कवर करते थे रूल करते थे फिर हम देखेंगे अबाउट सम शाखा रूलर्स प्राइमरीली तीन शाखा रूलर्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में एंड देन विल सी अबाउट द शाखा कैलेंडर एक कैलेंडर है जो आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो करती है द शाखा कैलेंडर उसके बारे में हम देखेंगे एंड फाइनली विल सी अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द शाखाज मेरा नाम है अरुणा वनाय वेलकम यू टू दिस लेक्चर बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर लेट मी टेल यू अबाउट द यू पी एस सी सी एस सी सब्सक्रिप्शन जो चौबीस हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये में आपको मिल सकता है अगर आप मेरा कोड ए आर यू फिफ्टी यूज करेंगे तो दिस इज फॉर अ लिमिटेड टाइम तो इसलिए यू हैव टू हरी एंड गेट द सब्सक्रिप्शन एट ट्वेंटी फोर थाउजेंड नाइन नाइन्टी नाइन इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड इन द कॉमेंट्स यूल फाइंड इट लेट मी ऑल्सो टेल्यू अबाउट आरम्भ बैच जो दो हज़ार छब्बीस के लिए है तो दिस बैच इज अवेलेबल फॉर ट्वेंटी नाइन थाउजेंड नाइन नाइनटी नाइन बेसिकली इट इज द सब्सक्रिप्शन अवेलेबल फॉर ट्वेंटी नाइन थाउजेंड नाइन नाइटी नाइन एंड लेट मी ऑल्सो टेलू की दिस इज वन सब्सक्रिप्शन दैट ओपन्स एवरी थिंग अप फॉर यू एंड यू हैव एक्सेस टू ऑल द टॉप एजुकेटर्स एट एन अकेडमी और आपको जिस भी लैंग्वेज में पढ़ना है इंग्लिश हिंदी या बाई लिंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे ऑन द प्लेटफॉर्म तो 29,999 अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं 2026 के लिए अगेन लेट मी रिमाइंड यू द कोड दैट यू हैव टू यूज इज ए आर यू फिफ्टी ए आर यू फिफ्टी इज माई कोड यूज इट टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड लेट मी टेल यू अबाउट आगाज दो के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं दिस इज अ फाउंडेशन बैच फॉर दैट लैंग्वेज है इंग्लिश में बाई लिंग्वेल अगेन इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे इस बैच में एंड द बैच स्टार्ट फ्रॉम ट्वेंटी सेवंथ ऑफ अक्टूबर सत्ताईस अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है गो जल्दी से आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए एंड यू नो द कोड दैट यू हैव टू यूज दैट इज ए आर यू फिफ्टी दैट इज माई कोड एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू अबाउट रिपीट दस बैच अगर आपने पहले कभी एग्जाम दिया है और फिर से अगर आप दो हजार पच्चीस का एग्जाम देना चाहते हैं देन दिस इज द बैच दैट आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर यहाँ पे आपको प्रीलिम्स मेंस सब के लिए विल गेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ मटेरियल्स लेक्चर्स एंड यू विल बी एबल टू गेट योर सक्सेस इन द ईयर 2025 सो गो फॉर दिस वन अगेन यू नो द कोड दैट यू हैव टू यूज दैट इज ए आर यू फिफ्टी ओके अगेन लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन यू कैन गो हैड विद दैट नाउ हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को पहले तो हम जानेंगे शाकाज कौन थे ठीक है तो अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर देखा था जो इंडो ग्रीक्स का था वहां पे हमने एक मैप देखी थी जहां के जहां पे हमने देखा था कि कहां से आए थे इंडो ग्रीक्स बैक्टीरिया से आए थे एक जगह थी उससे ऊपर हमने देखा था एक जगह है जग, is, सिथिया तो सिथिया से आए थे सिथियंस एंड सिथियंस ही वो है जिनको हम शाकाज कह रहे हैं यहां पर ओके मी राइट इट डाउन फॉर यू सिथियंस ही है हु आर द शाकाज ठीक है तो सिथिया कहां पे है सेंट्रल एशिया में है एंड दि शाकाज नोमैडिक ट्राइब्स यहाँ से वहां घूमते रहते थे ट्राइब्स थे नोमैडिक और वो जाना चाहते थे चाइना की तरफ लेकिन वहां नहीं जा पाए क्योंकि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज देयर बिल्ट तो इसलिए वो वहां नहीं जा पा रहे थे तो वेयर डिड दे गो उन्होंने सोचा कि हम थोड़ा साउथ की तरफ जाते हैं साउथ में क्या है साउथ में है इंडिया तो जब वो इंडिया में आए नॉर्थ वेस्ट से हिंदू कुश माउंटेन्स क्रॉस करके वो आए तो तब वो मिले इंडो ग्रीक्स से और उनसे हुआ उनका कॉन्फ्लिक्ट एंड देन फाइनली दे डिफीटेड द इंडो ग्रीक्स और फिर वहां पे दे स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग देयर किंगडम हम देखेंगे प्राइमरीली तीन रूलर्स के बारे में जिन, जिनके बारे में मैंने बोला सो दे एस्टैब्लिश द किंगडम एंड उसके बाद uh, वे uh, हम देखते हैं कि वे जो शाकास जो इधर आते हैं वी सी अ लॉट ऑफ ए कल्चरलाइजेशन हैपनिंग तो ये इंडो ग्रीक्स के टाइम पर भी हमने देखा था लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू ए कल्चरलाइजेशन तो ये क्या है इसका मतलब ये है कि वो आते हैं इंडिया में उसके बाद जो इंडिया का कल्चर है उसे अपना लेते हैं वो अपना कल्चर तो लेके आते ही हैं उसके बाद इंडिया का जो कल्चर है उसे भी अपनाते हैं एंड दैट बिकम्स ए कल्चरलाइजेशन तो वो हमको कैसे पता चलता है वी सी फ्रॉम द नेम्स द टेक फ्रॉम द रिलीजन दैट दे फॉलो एंड द कोइंस दैट दे इश्यू वहां से हमको पता चलता है कि अच्छा ये आए तो थे अपना कल्चर लेके लेकिन इंडिया का जो कल्चर है उसे भी उन्होंने अपना लिया था फाइन तो हु द जैसा मैंने बोला सिथियंस और नोमैडिक ट्राइब्स थे जो सेंट्रल एशिया से आए थे फाइन कहां से आए थे वे जैसा मैंने बोला सेंट्रल एशिया से लेकिन कब सेकेंड सेंचुरी बीसी तब आए थे एंड प्राइमरीली वेस्टर्न इंडिया में वो सेटल होने लगे जैसे मैंने आपको बोला नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पहले सेटल हुए उसके बाद धीरे धीरे वेस्टर्न इंडिया में सेटल होने लगे ठीक है रेफर टू एज इंडो सिथियंस इन इंडियन हिस्ट्री दे देवर पार्ट ऑफ द लार्जर मूवमेंट ऑफ सेंट्रल एशियन डोमेट्स इन टू इंडिया तो सेंट्रल एशिया से काफी सारे नोमेडिक ट्राइब्स आ रहे थे उनमें से एक शाकाज भी है एंड एंड लाइक आई सेड की मोरियंस के बाद आफ्टर द शुंगर डायनेस्टी वी सी अ लॉर्ड ऑफ पीपल कमिंग एंड इन्वेडिंग इन इंडिया जैसे इंडो ग्रीक्स के बारे में हमने पहले देखा उसके बाद हम इस लेक्चर में शाकाज के बारे में देख रहे हैं लेटर ऑन वील सी अबाउट कुशांस ऑल्सो इन द नेक्स्ट लेक्चर उसके बाद हम देखेंगे अबाउट पार्थियंस ऑल्सो सो ऑल ऑफ दिस वील सी राइट तो ये जो है ये इज अ पार्ट ऑफ दैट ओनली ऑफ दैट इनवेजन जो काफी सारे सेंट्रल एशिया ईरान से फिर ग्रेको एरिया से जो लोग आ रहे थे उसी का एक पार्ट था शाकास ओके सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट रिमेंबर सिथियंस सिथिया से आए थे सिथियंस ही शाकास है और वो सेंट्रल एशिया से आए थे दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर अब आगे बढ़ते हैं सिथिया जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं ये है सिथिया यही मैप हमने इंडो ग्रीक वाले लेक्चर में भी देखा था और वहां पे हमने देखा था अबाउट सिथिया।, सिथिया, सिथिया तो यहां से सिथियंस आए आए हैं ठीक है कैसे वो यहां जाना चाहते थे चाइना की तरफ लेकिन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना है तो वो नहीं जा पाए तो ये नीचे की तरफ आए एंड यहां पर आके इन्होंने दे फॉट विद द इंडो ग्रीक्स उसके बाद इन्होंने पहले अपना साम्राज्य स्थापित किया यहां पे और फिर धीरे धीरे वो नीचे की तरफ गए ठीक है तो यहाँ जाते हैं दिस इज वेयर दे फाइनली सेटल्ड तो इसका भी एक मैप है मैं आपको दिखाता हूं वो मैप लेट मी शो यू द एक्सटेंट तो यहाँ पे आपको पता चलेगा दिस इंडो सिथियन किंगडम आपको पता चल रहा है यहाँ पे एंड ऑल्सो ये जो नीचे जो थोड़ा सा है जहाँ पे डॉटेड लाइन से है ये भी शाकाज का ही एरिया है वेस्टर्न शत्र आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स रिटर्न वेस्टर्न शत्र तो वेस्टर्न शत्र बेसिकली वही है कि एक ओके लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू प्रॉपरली नहीं तो पता नहीं चलेगा लेट मी राइट इट हियर ओके सो ये जो है दैट इज वेस्टर्न सेट्रप्स ठीक है अब इसके अलग अलग स्पेलिंग्स uh, भी है कोई इसे शत्रप्स कई किताबों में ऐसे भी मिलेगा आपको कई किताबों में आपको uh, शत्रपाज ये स्पेलिंग भी मिलेगा सो बेसिकली इट्स ऑल द सेम ठीक है ये लोग वेस्टर्न इंडिया में यहाँ पे सेटल हुए थे पहले तो आए नॉर्दर्न इंडिया से उसके बाद गांधार जो एरिया है वहाँ पे इनका काफ़ी स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था फिर थोड़ा बहुत मथुरा की तरफ गए एंड फाइनली दे सेटल्ड इन द वेस्टर्न सेटअप्स बेसिकली मालवा रीजन में और महाराष्ट्र का जो रीजन है गुजरात का जो रीजन है वहाँ पर ये सेटल हुए एंड काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये जो वेस्टर्न सेटअप्स वाला जो एरिया है ना वेस्टर्न वेस्टर्न शत्रपास जो है तो ये काफ़ी टाइम तक इन्होंने रूल किया ऑफ कोर्स द इंडो सिथियन किंगडम जो हम ऊपर देख रहे हैं दिस पार्ट ये तो इतना नहीं रहा लेकिन दिस पार्ट द वेस्टर्न सत्रपाज एरिया वो काफी लॉन्ग टाइम तक रहा उन्होंने काफी लॉन्ग टाइम तक वहां पे रूल किया था ठीक है अब रूलर्स के बारे में देखेंगे जैसा मैंने आपको बोला तीन रूलर्स के बारे में हम प्राइमरीली देखेंगे एक तो है मोगा एक है अजेज और एक है रुद्र दमन अब ये जो तीन नाम मैंने बोले आप सोचिए इनके बारे में एक का नाम है मोगा या इनका एक और नाम है मोइस भी बोलते हैं या मोगा ठीक है उसके बाद आप दूसरा नाम जो मैंने बोला अजिस और तीसरा नाम जो मैंने बोला दैट इज रुद्र दमन अब तीनों नामों को अगर आप देखें सो देर इज सम डिफरेंस इन द नेम्स ये जो लास्ट वाला नाम है क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये कोई हिंदू नाम है और ऊपर के जो नाम है वो अलग है ऐसा क्यों अगेन वी गो बैक टू द टर्म ए कल्चरलाइजेशन तो वो आए तो थे अपने नाम अपने रिलीजन अपने कल्चर को लेकर आए थे बाद में जब वो इंडिया में सेटल होने लगे धीरे धीरे दे स्टार्टेड मिंगलिंग विद द कल्चर्स जो ऑलरेडी प्रीवेलेंट थे इसलिए हम लास्ट तक जाते जाते हम देखते हैं कि रुद्र दमन नाम होने लगा हिंदू नाम रुद्र बेसिकली शिवा रुद्र इज अनादर नेम फॉर शिवा तो बेसिकली हिंदुज्मों इन्होंने ले लिया था इसलिए इनका नाम रुद्र दमन था आई होप यू वो अंडरस्टूड कि कैसे पहले जो वो आए सेंट्रल एशिया से तब उनके नाम अलग हुआ करते थे धीरे धीरे यहां रहते रहते दे स्टार्टेड टेकिंग अप हिंदू नेम्स कॉइंस में भी हम ये देखेंगे कि कॉइन्स जो थे इनके वो काफी लोकल लोगों के लिए भी इन्होंने लोकल लैंग्वेजेस में भी इन्होंने इशू किए तो ये था सो so, सबसे पहले हम पहले जो रूलर थे उनके बारे में देखते हैं ठीक है तो दैट इज द दैट इज

ये जो इनका जो रेन है बेसिकली ये जब रूल करते थे इसी से स्टार्टिंग होती है शाखा पावर की या शाखा हैजी की इन इंडिया ठीक है और फिर उसके बाद मॉइज के बाद जो हम देखते हैं उसके बाद धीरे धीरे और भी रूलर्स आने लगे जैसे इज़ द फर्स्ट उनके बारे में मैंने बोला लेकिन शाका अदर जो इस इनके बाद जो बाकी रूलर्स आए दे एक्सटेंडेड या एक्सपेंडेड द कंट्रोल ओवर सिंध मालवा एंड गुजरात अगेन वी सो इन द मैप इट सेल्फ कि कैसे उन्होंने आ, पहले स्टार्टिंग में तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में उन्होंने पहले अपने आप को एस्टैब्लिश किया उसके बाद धीरे धीरे मालवा रीजन गुजरात रीजन इन एरियाज में उन्होंने अपने खुद को स्ट्रांग होल्ड अपना उन्होंने उन्होंने बनाया ठीक है तो देर रूल इज मार्क्ड बाई कॉयनेज एंड इंस्क्रिप्शन फाउंड अक्रॉस दीज रीजन कॉइनेज काफ़ी कॉइन्स इन्होंने इशू किए जिनके बारे में मैंने अभी बोला कि लोकल लैंग्वेजेस में भी इशू किए एंड इंस्क्रिप्शन एक जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है जो रुद्र दमन ने भी उन उसके ऊपर काफ़ी कुछ लिखा है जो अशोकन एडिक्ट है एक्चुअली उसके ऊपर रुद्र दमन ने भी इंस्क्रिप्शन लिखा है तो उसके बारे में हम देखेंगे विल सी द फोटो ऑल्सो उसका फोटो भी है इधर इसी लेक्चर में हम देखेंगे सो विल सी दैट ऑल्सो सो काफ़ी कुछ प्रभावशाली था इनका शाकाज का बट काफ़ी इंडिया का जो ऑलरेडी जो कल्चर था उसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ा शाकाज के ऊपर ठीक है अजीज वन के बारे में थोड़ा देखते हैं अजीज वन तो बी सी तो लगभग उस टाइम पे वो बने थे राजा लेकिन इनका जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ये है कि एक जो शाखा कैलेंडर है जो शाख संवत भी बोलते हैं आप जब आई ऑफिसर आई ऑफिसर बन जाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कम्युनिकेशन होती है उसमें जो डेट लिखा होता है दो डेट्स होते हैं उसमें एक होता है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर हम यूज़ करते हैं ग्रेगोरियन मतलब आज जो हम कैलेंडर इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं जो आज अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये सब और एक होता है शाख संवत तो ये जो है ये शाक कैलेंडर हो, है तो इसको यूज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये जो कम्युनिकेशन आपके साथ होगी ऑफिशियल कम्युनिकेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसमें आप देखेंगे दो डेट्स है एक शाख संवत का और दूसरा ग्रेगोरियन डेट ठीक है तो वो आपको पता चलेगा आफ्टर यू क्लियर द एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स ठीक है तो बीसी वॉज अ फिफ्टी सेवन बीसी वॉज अ मेजर शाका रूलर हु कॉन्क्रट लार्ज पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया दिस इज इज अबाउट एज वन ठीक है तो इन्होंने डिफीट किया इंडो ग्रीक्स को और एक्सपैंड किया शाका रूल ओवर लार्जर टेरिटरी पहले तो हमने देखा पहले सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में गांधार रीजन में ये थे उसके बाद इंडो ग्रीक्स को हराने के और बाद उसके बाद वो धीरे धीरे थोड़ा सा और एक्सटेंड करने लगे टू बी वेरी स्पेसिफिक ये मथुरा तक इन्होंने एक्सपेंड किया था अपना एरिया और पर उसके बाद अगेन दे वेर नॉट एबल टू कीप दैट प्लेस और धीरे धीरे वो नीचे की तरफ बेसिकली टूवर्ड्स वेस्टर्न इंडिया वो जाने लगे ठीक है मथुरा के नीचे एंड टूवर्ड्स वेस्टर्न इंडिया दे स्टार्टेड मूविंग ठीक है इंट्रोडक्शन ऑफ शाका एरा, जो मैंने बोला सो एज इज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस दाख संवत भी इसको बोलते which began in तो ये काफी टाइम आपको याद रखना होता है मोस्ट ऑफ दस्ट ऑल्सो की अगर ये दिस इज द इयर इन ग्रेगोरियन कैलेंडर तो शाख संवत में ये कौन सा ईयर होगा यू टू जस्ट रिमेंबर सेवनटी एट सी ई से शुरू हुआ था इफ यू रिमेंबर दैट देन यू नो वट दर इज ओके सो द कैलेंडर बिकेम वाइडली यूज इन इंडियन हिस्ट्री फॉर डेटिंग इंस्क्रिप्शन एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ये आपको ऑलरेडी पता है कॉइनेज के बारे में भी है कि इन्होंने जो कॉइन्स इशू किए थे उसमें ग्रीक इंस्क्रिप्शन भी थे तो इसका मतलब हेलेनिस्टिक जो आर्ट्स है हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंसेस है वो भी आपको देखने मिलते हैं इनके कॉइन्स में और इंडियन इंस्क्रिप्शन या इंडियन इन्फ्लुएंसेस भी आपको देखने मिलते हैं अब हेलेनिस्टिक क्यों क्योंकि उस टाइम इंडो ग्रीक्स हुआ करते थे इंडो ग्रीक्स ने हमने देखा था इसके पहले वाले लेक्चर में कि कैसे इंडो ग्रीक्स ने कॉइंस का इशू किया था तो जब वो कॉइंस इशू कर रहे थे तो देन वेन द शाकाज केम दे स्टार्टेड इशूइंग देयर कॉइंस लेकिन वो हेलेनिस्टिक जो इन्फ्लुएंसेस थे वो रह गए उन कॉइन्स में इनके कॉइन्स में भी एंड द इंडियन इन्फ्लुएंसेस ऑफ कोर्स क्योंकि जो इंडो ग्रीक्स थे वो इंडियन लैंग्वेज में भी इशू uh, कर रहे थे अपने कॉइन्स क्योंकि हमने देखा था कि कैसे ग्रीक लैंग्वेज और इंडियन लैंग्वेज दोनों हुआ करते थे इनके कॉइन्स में तो शाकाज ने भी उसको कंटिन्यू किया फाइन एंड उसके बाद हम देखते हैं कि एजीज रेन इज मार्क्ड बाय द फ्लरिशिंग ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स पर्टिकुलरली थ्रू द सिल्क रूट क्योंकि सिल्क रूट जो है ठीक नॉर्थ में ही था हमारे राइट एंड चाइना वॉज वेरी पावरफुल एट दैट टाइम तो सिल्क रूट वहाँ से होकर जाता था तो क्या होता था कि वेन देर इज़ सम स्ट्रॉन्ग रूलर इन द नॉर्थ वेस्ट तो उनके लिए सिल्क रूड बहुत इंपॉर्टेंट है और क्योंकि सिल्क रूड वॉज वेरी नीयर तो इसलिए फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स फॉर एनीबडी जो नॉर्थ वेस्ट में अपना साम्राज्य स्थापित करते थे उनके लिए ये जो एरिया है सिल्क रूट के पास से तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था इट हेल्प डेम इन ट्रेड एंड कॉमर्स आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑल्सो क्योंकि उस टाइम द सिल्क रूट वॉज द मेन ट्रेड रूट विच वॉज इन बींग फॉलोड बाई पीपल इन द वर्ल्ड तो इसलिए सिल्क रूट के पास अगर आपका किंगडम है तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपका किंगडम बहुत ही प्रॉस्पेरस और फ्लरिशिंग होगा बिकॉज ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स दैट इज हैपनिंग थ्रू दैट रूट उसके बाद हम आते हैं द हिंदू नेम वाला किंग दैट इज रुद्र दमन ठीक है रुद्र दमन वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेट रूलर्स ऑफ वेस्टर्न शत्रपाज वेस्टर्न शत्रपाज हमने देखा था इसके बारे में राइट वेन वी सॉ द मैप कि जो ये मालवा रीजन है सिंध रीजन है गुजरात वाला रीजन है तो इस रीजन में जो रूल करते थे ऑफ द शाकाज उनको वेस्टर्न शत्रपाज बोलते हैं अब लेट मी टेल यू अबाउट द शत्रपाज बेसिकली ये वर्ड है क्या तो हमने जब देखा था इन द शुंग डायनेस्टी वाला लेक्चर uh,

इन द सेम वे सेल्यूसिड एम्पायर जो था, इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है lectures में। तो Seleucid Empire जब weak होने लगा, तब हमने देखा धीरे-धीरे जो हैं, वो अपने आप को करने लगते हैं। पर ये 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 थे थे, कौन? ऑफ द किंग्स ठीक है दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग वेस्टर्न शत्रपास बेसिकली क्या था कि ये एक राजा होते थे जो इस एरिया को इतना क्योंकि द एरिया is quite big, right? तो इसको कैसे एडमिनिस्टर करेंगे तो ये क्या करते थे अपने जनरल्स को बेसिकली को ये रूल करने बोल देते थे और फिर यह सब देखते थे कि राजा इतना स्ट्रांग नहीं है तब खुद को इंडिपेंडेंट बना लेते थे ठीक है तो दिस इज बेसिकली सबिनेट रूलिंग तो यही है ये येपात जो है ये है राजा के जो जनरल्स हुआ करते थे जो बाद में इंडिपेंडेंस गेन कर लेते हैं ठीक है तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है रुद्रधवन ऑफकोर्स uh, इनका काफ़ी uh, योगदान रहा इन द एक्सपेंशन ऑफ शाखा टेरिटरी अक्रॉस मालवा गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान वेस्टर्न शर्टर पास तो ऑफकोर्स वेस्टर्न इंडिया में इन्होंने हेल्प किया uh, जो शाखा टेरिटरी है उसको बढ़ाने में लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी शुड नो इज़ द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन अब जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि एक अशोकन एडिक्ट है तो ये इंस्क्रिप्शन ऑलरेडी था जहाँ पे अशोका ने जो अशोक रूलर जो थे मौर्यन रूलर तो उन्होंने एक इंस्क्रिप्शन वहां पे लिखा था उसके बाद रुद्र दमन ने क्या, क्या उस पर एक और उन्होंने इंस्क्रिप्शन लिखा। पढ़ेंगे तब वो भी एक इंस्क्रिप्शन उसी स्टोन पे डालते हैं ठीक है ठीके? तो वो था मी शो यू या दिस दिस इज द जूनागढ़ स्टोन इंस्क्रिप्शन या अशोकन एडिक्ट यहाँ पे लिखा भी हुआ है अगर आप देखें ध्यान से आई नो इट्स वेरी स्मॉल अशोकन एडिक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ठीक है तो यहाँ पे आई विल ट्राई टू शो यू अबाउट द थ्री रूलर ऑफकोर्स अशोक के बारे में तो ऑलरेडी पता है आपको कि अशोकन रॉक एडिक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे महाशत्र रुद्र दमन वन लिखा हुआ है एंड गुप्ता रूलर स्कंद गुप्ता काफी छोटा है आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस बट यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप इस स्टोन इंस्क्रिप्शन पे अगर आपने कभी इव बिन देर तो यू कैन टेल मी इन द कामेंट्स कि आप गए थे यहाँ पे अगर आप कभी जाएंगे तो आपको ये पढ़ने मिलेगा यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट दिस एंटायर थिंग ठीक है तो यही है एंड ऑल्सो यहाँ पे अगेन वेस्टर्न छत्रपास ये मैप हमने ऑलरेडी देखा है आई एम शोइंग इट टू यू अगेन सो दैट यू अंडरस्टैंड कि जब रुद्र दमन आते हैं और वेस्टर्न एरिया में जब वो अपना साम्राज्य स्ट्रोंग करते हैं तो कौन से एरियाज में करते हैं बेसिकली दीज आर द एरियाज ठीक है

जनरली हम किसने बनवाया वो याद रखते हैं पर रिपेयर किसने करवाया ये भी पूछा जा सकता है आपको सो इट इज़ बाई रुद्र दमन ठीक है एंड कल्चरल एंड रिलीजियस कॉन्ट्रीब्यूशन तो थे ही उनके बिकॉज उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट किया लिटरेचर को प्रमोट किया संस्कृत ही क्यों बिकॉज ही अडोप्टेड हिंदुजम नाम से ही आपको पता चल रहा है रुद्र दमन नेम है उनका तो ऑफकोर्स ये हिंदू जो रिलीजन uh, है इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था इसलिए इन्होंने संस्कृत को काफ़ी बढ़ावा दिया इवन इन द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑल्सो इन्होंने संस्कृत में लिखवाया राइट तो ये आपको याद रखना है ठीक है अर्लिएस्ट नोन संस्कृत इंस्क्रिप्शन ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है बिकॉज दिस कैन ऑल्सो बी अ स्टेटमेंट दैट यू माइट सी और एन ऑप्शन यू माइट सी इन प्रीलियम्स तो ये आपको याद रखना है ये दो चीजें सुदर्शन लेख का रिपेयर करवाया रुद्रदमन ने एंड अर्लिएस्ट नोन इंस्क्रिप्शन जो है वो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है ये भी रुद्रदमन द्वारा ही है तो so, ये दो चीजें आपको रुद्रदमन के बारे में तो याद रखना ही है ठीक है

तो आपको ये मैप याद आए एंड वेन यू नो द मैप इनसाइड आउट बाई हार्ट जब आपको मैप याद होते हैं तब आपको याद होता है कि कैसे कोई जो किंगडम किंगडम है उसने कैसे एक्सपेंड किया और फाइनली उसका डिक्लाइन कैसे हुआ था वो आपको याद रह जाता है तो इसलिए एंड ऑल्सो समटाइम्स वेन यू थिंक ऑफ द इंस्क्रिप्शन वेन यू थिंक ऑफ विच एरियाज वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाई विच किंगडम्स और विच रूलर्स तो आपको मैप याद रखना बहुत ज़रूरी होता है इसलिए हर लेक्चर में मैं मैप लेके आता हूं आपके लिए सो दैट यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग एंड रिमेंबरिंग द मैप्स वेरी वेल ठीक है नाउ दिस इज द इंस्क्रिप्शन दैट वी सॉ अब थोड़ा कैलेंडर के बारे में भी देख लेते हैं अब ये कैलेंडर जो है इसके बारे में पहले बहुत सारे क्वेश्चन आते थे यूपीएससी प्रीलिम्स में अभी तो नहीं आ रहे हैं बट पहले काफी सारे क्वेश्चन आते थे सो so, अगर कभी यूपीएससी सोचे we'll और वहां से अगर आपको क्वेश्चन पूछा बैक uh, तो आजकल लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं उसको राइट right? तो ये जो है इंट्रोडक्शन ऑफ द शाका ठीक है तो इस शाका uh, कैलेंडर के स्टार्ट होने से ही शाका एरा स्टार्ट हो गया कब से, 78 से. किसने इंट्रोड्यूस किया एज इज द फर्स्ट ठीक है तो बस ये आपको पता है एंड देन इट इज यूज साइड द विक्रम संवत विक्रम आदित्य एक रूलर थे उन्होंने विक्रम संवत स्टार्ट किया था तो विक्रम संवत के साथ ही साथ uh, से see, uh, शाक संवत स्टार्टिंग ठीक है अब विक्रम संवत जो है काफी सारे स्टेट्स uh, में विक्रम संवत का जो कैलेंडर है वो यूज होता है काफी सारे स्टेट्स में शाका संवत जो है वो यूज होता है एंड आई एम फ्रॉम असम तो असम में क्या होता है आई ऑल्सो टेल यू दैट ताकि आपको अगर ये क्वेश्चन भी आ जाए तो यू you नो know. आसाम में एक कैलेंडर है दैट इज भास्कर अब्दो भास्कर अब मी राइट इट प्रॉपरली ठीक है ओके okay. इसको बोलते हैं भास्कर अब्द ठीक है क्योंकि एक राजा थे भास्कर वर्मन तो उनका ये कैलेंडर उन्होंने स्टार्ट किया था आसाम में तो दैट इज भास्कर अब्द तो ये असम में होता है काफी सारे स्टेट्स क्या फॉलो करते हैं विक्रम संवत फॉलो करते हैं एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मेनी अदर स्टेट्स फॉलो द शाक संवत। तो ये आपको याद रखना है ठीक है तो शाक कैलेंडर वॉज अडॉप्टेड एज द ऑफिशियल इंडियन नेशनल कैलेंडर इन नाइनटीन ठीक है इट रंस पैरल ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉर सिविल एंड ऑफिशियल जैसे मैंने बोला आपको दो डेट्स आपको देखने मिलते हैं वेन कम्युनिकेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट कम्स तो उसमें ग्रेगोरियन कैलेंडर का डेट भी होता है एंड शाख संवत का भी होता है अब फाइनली हम देखेंगे डिक्लाइन के बारे में कि डिक्लाइन कैसे हुआ ठीक है सो so, डिक्लाइन में अगर हम देखें तो सातवाहनाज के साथ इनका काफी सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इसके इस, इससे वो काफी वीक हो गए ठीक है तो so, सातवाहनाज के बारे में हम पढ़ेंगे काफी स्ट्रॉन्ग थे वो एंड

पहले तो यू हैव टू रिमेंबर कि कहां से आए थे सेंट्रल एशिया से आए थे डोमेटिक ट्राइब्स थे उसके बाद आपको याद रखना है अबाउट द रूलर्स ठीक है सो so पहले मोगा सेकेंड एजिस और तीसरे जो है रुद्र दमन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है रुद्र दमन एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एजिस एजिस क्यों क्योंकि शाक संवत उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कहा uh, कब से? 78 CE से ठीक है तो वो आपको याद रखना है एंड रुद्र दमन टू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर पहला तो है जो अशोकन एडिक्ट है वहाँ पे उन्होंने जूनागढ़ जो है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन वहाँ पे यू गेट टू सी की संस्कृत में उन्होंने अपना इंस्क्रिप्शन लिखा था रुद्र दमन ने वो सेकेंड थिंग जो है आपको याद रखना है कि सुदर्शन लेख का रिपेयर करवाया था इन्होंने तो बस आप अगर इतना याद रख लेते हैं देन यू आर डन विद शाकास तो आई होप आपको याद भी हो गया होगा शाकास प्रॉपरली ठीक है तो यही है ये लेक्चर दैट्स ऑल आई होप यू आर एंजॉइंग ऑल दी ऑल दीज लेक्चर्स तो आप जो पूरा प्लेलिस्ट है वो देख लीजिएगा बिकॉज वी आर एट द टेंथ लेक्चर काफ़ी कुछ हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू अगर आप ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स का प्रीलिम्स या एग्जाम अगर आप उसके लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं दीज आर वेरी गुड लेक्चर्स फॉर दैट एंड रिमेंबर टू कीप मेकिंग नोट्स क्योंकि जब आप इस लेक्चर को देखने के बाद जब आप बुक पढ़ेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी इजिली सो कीप डूइंग दैट इज़ वेल तो बस यही अगर अच्छा लगा आपको ये लेक्चर देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस लेक्चर को कॉमेंट में बताइएगा अगर कुछ और आप चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊँ अगर चाहते हैं कुछ और इसमें मैं इंक्लूड करूँ वो भी आप कॉमेंट में बताइए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच